हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैगी पकोड़ा। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही यम्मी लगता है। बारिश के मौसम में आप चाय के साथ इसे खाएंगे तो चाय का मज़ा ही दोगुना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पानी को मैंने गर्म होने के लिए रखा था, उसमें मैंने एक पैकेट मैगी को रफली तोड़ करके डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए मैगी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे हम पानी से छान लेंगे। तो ये देखिए पानी से मैंने इसे छान लिए हैं और इसे हल्का सा ठंडा कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। मैगी मसाला डाल देंगे जो मैगी के पैकेट के अंदर रहता है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन की जगह आप हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, मैगी के अंदर जो मॉइस्चर है उससे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसका हम बॉल शेप में बना करके रेडी कर लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने, क्योंकि ये वाली मिक्सचर काफ़ी स्टिकी होता है, ऑयल लगाने से हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और मैगी मसाला में भी नमक होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम बॉल शेप में सारे मिक्सचर को बना करके रेडी कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है ये पकौड़ा फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली बारिश के मौसम में खा के तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हाफ पैकेट मैगी को मैंने इस तरह से क्रश करके ले लिया है। अब इस सारे बॉल्स को हम इस मैगी से कोट कर देंगे और इसे हाथों से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि मैगी अच्छे से चिपक जाए। सेम प्रोसेस से हम बाकी बॉल्स को भी कोट करके रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, ऑयल मीडियम गर्म है। सारे बॉल्स को मैंने कोट करके रेडी कर लिए हैं। अब एक एक करके सारे बॉल्स को हम ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से हर तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मीडियम फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट में एक बैच को फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम एक बड़ी छन्नी में इस तरह से डालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल कढ़ाई में चला जाए। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी मैगी पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद डिप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।